देखो हम तीन मूर्ति, पहचानते हो ये कौन है? मैं यहाँ पर, मेरा पति भी है और हमारा एक दोस्त भी है, और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं घुगनी। बहुत अच्छा लगता है ये घुगनी खाने में। ये है बैरकपुर में स्टॉल है यहाँ पर, और बहुत ज़बरदस्त तैयार करता है ये घुगनी। और यहाँ पर मेरे पति भी हैं, और बताना कौन मेरा पति है, क्योंकि हम तो तीनों साथ साथ हैं, तीनों हैं बेस्ट फ्रेंड। जहाँ भी जाते हैं खाते हैं तीनों मिलके। तो बताना कमेंट्स करके। अभी हम तीनों मिलके यहाँ पर घुगनी खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर घुगनी बहुत अच्छा बनाता है। और यहाँ पर जो लस्सी का दुकान है, लस्सी का दुकान भी बहुत अच्छा लस्सी तैयार करते हैं। और मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ लस्सी और घुगनी तो खाती हूँ। लस्सी का टेस्ट जो है बढ़िया है, इतना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं बैरकपुर में हमेशा आती हूँ ये सब खाने के लिए। और अभी मैं जा रही हूँ अपने घर में, और रास्ते में देखो यहाँ पर कितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि प्रतिमा विसर्जन जा रहा है। इसीलिए देख रहे हो ये जा रहे हैं दुर्गा प्रतिमा विसर्जन। और लाइटिंग भी अभी तक बहुत लाइटिंग है, ये लाइटिंग दिवाली तक यहाँ पर लगा रहेगा। और यहाँ पर और एक दुर्गा प्रतिमा आ रहा है विसर्जन। और मैं तो कल बहुत बहुत मज़ा किया अपने पारा का जो विसर्जन था दुर्गा प्रतिमा का। मैं रोड पर बहुत डांस किया, बहुत सारे लड़की, बहुत सारे औरत, बहुत लड़का लोग, बच्चा लोग, बहुत लोग वहाँ पर डांस कर रहे थे डीजे के साथ। मैं तो हर साल डांस करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मन भी ख़राब है क्योंकि फिर से एक साल वेट करना पड़ेगा, तो चलो कोई बात नहीं। और अभी मैं घर आ चुकी हूँ, और अभी आके मैं ड्रेस चेंज करूँगी। और ये देखो मैं यहाँ पर क्या लेके बैठ गई, ये है सीताभोग मिहिदाना, बहुत अच्छा लगता है मुझे खाने में, और मेरा फेवरेट मिठाई है। सीताभोग मिहिदाना बहुत अच्छा लगता है खाने में, और ये तो दशमी के बाद ही मिलता है। ये जो मिठाई है ये सिर्फ दशमी हो जाने के बाद ही मिलता है मिठाई के दुकान पर। पूरा साल ये मिठाई नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा दुर्गा पूजा के टाइम में। और जो बर्धमान है, बर्धमान का सीताभोग मिहिदाना फेमस है, फेमस।